अच्छा सही टाइम पे ना ठीक बात बोलना भी लड़की आगे बहुत बड़ा गेम प्ले करता है मैंने देखा है किसी क्लब के बाहर थे दो तीन नई लड़की आई उसमें से एक लड़की ने हाथ मिला उसने अपना नाम बताया मेरे को उसने अपना नाम बोला ये और अपना नाम बोलने की जगह मैंने एक पिकअप लाइन बोल दी मैं बोला माई नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टू नाइट लिख ली लाइन लिख ली मैंने पेरिस दुनिया की सबसे ओवर सिटी है भाई और रात को मगिंग वगैरह चोरी रॉबरी बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना क्राइम बहुत ज्यादा और इतनी, गंदगी, इतनी गंदी है भाई। वहाँ पे खुले पड़े है, सारी तरफ वहाँ पे कचरा पड़ा है वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के अगेंस्ट जहां इंडिया अपने पिछले सारे मैचेस जीती है वहीं इंग्लैंड पिछले दो मैच से हार रही है तो मैच होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और आप ये मैच खेल सकते हो रियल इलेवन पर और जीत सकते हो घर बैठे लाखों के इनाम वो भी बिना किसी विड्रॉल चार्जेस के तो जल्दी जाके रियल इलेवन डाउनलोड कर लो और इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना क्योंकि परमवीर भाई के साथ जब ने फर्स्ट एपिसोड करा था तो आपके भर भर के कमेंट्स थे कि पार्ट टू करो और इस एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं तो ये एपिसोड मिस मत करना एंड तक देखना चलो बातों को चालू करते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और जैसा कि आप हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो तो हमने परमवीर भाई को दोबारा बुलाया भाई वेलकम है आपका you, भाई पॉडकास्ट पे दोबारा और भाई पॉडकास्ट में ना फोड़ दिया लिटरली इतना पसंद आए लोगों को और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लोगों को सुनने को मिली हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में <laughs> तो आज हम बढ़िया और नई नई बातें करने वाले भाई के साथ अलग अलग कंट्रीज की आप पहले ये बताओ कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट भाई मजा आ गया एकदम पॉडकास्ट करने में क्योंकि खुल के इतने जने के बाद खुल के बात होती है एक जने से वन टू वन इंटरव्यू टाइप हो जाता है हाँ। तुम्हारे पास ये चीज पैसे है, दोस्तों में बात कर रहे हैं तो बातें नेचुरली आती है और ज्यादा निकलती है सही बात है, भाई। है वो फील मस्त है भाई लोगों ने इतने कॉमेंट्स कर दिए पार्ट टू पार्ट टू आप लोगों के पास भी मेरे पास भी तो भाई आना ही पड़ा तुम सबके लिए डीएम्स में यूट्यूब कॉमेंट्स में सारी जगह लोग पीछे पड़ेगा भाई दोबारा जाओ रिय लिट वालों के पास वो पॉडकास्ट करो एक और तो भाई आ गया पर बिल्कुल भाई और आप तो अब हाथ भी नहीं आओगे अब आप नेक्स्ट कहाँ निकल जाओगे हमने भाई से कहा कि भाई इंडिया का वारे हो वापस कह रहे भाई कुछ नहीं पता अब नहीं तो अब तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं भाई उससे कि आजकल भाई जैसे आप ट्रैवल करने जा रहे हो बहुत लोगों को पंजाब हरियाणा दिल्ली साइड बहुत ये हो गया है कि भाई हमें बाहर निकलना है तो उसी चक्कर में एक नया टर्म हमें सुनने को मिल रहा है डोंकी रूट और क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ तो आपको इंडियन पासपोर्ट की वजह से वैसी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है सब स्टैंपिंग चेक करते हैं तो ये डोंकी रूट क्या है और कहाँ से होता है किसके बारे में कुछ बताओ यार भाई डोंकी रूट है तो बहुत पहले से पर ये रिसेंटली ज्यादा टर्म कॉमन होगी भाई डोंकी डोंकी का डोंकी बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं कि भी जो लोग इलीगली यहाँ से अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश जाके सेटल हो रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स पर वो वहाँ जाके बोलते हैं कि भी जो भी रीजन है कि हमें तो खतरा है हमारे देश में इसलिए हम इधर आए हैं और फिर वो देश उन्हें या तो साइलम दे देता है या फिर वो लोग इलीगली उनकी सरकार से छुपते हुए रहते हैं वो बेसिकली डोंकी है तो सबसे कॉमन डेस्टिनेशन अमेरिका है सबका सपना सब है भाई अमेरिकन ड्रीम जीना डोंकी मार के अमेरिका जाएंगे तो उसके रेट भी सेट है छोटे छोटे एजेंट्स ट्रैवल एजेंट्स बने हुए यहाँ पे डोंकी एजेंट्स जिनके कनेक्शन है उधर के देशों में सेंट्रल अमेरिका में साउथ अमेरिका में उधर उन एजेंट्स का अपना माफी है अलग कि भी इधर से इंडिया से कोई डोंकी मार के आएगा तो उन्हें हम जंगल पार कराएंगे फिर वो मैक्सिको पहुंचेंगे मैक्सिको में दीवार है अमेरिका की वो टापेंगे उसके बाद वो अमेरिका एंटर करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है छोटे सब आसान भाषा में थोड़ी कम टाइम में समझाऊं तो अलग अलग रेट सेट है अभी रिसेंटली क्या होने लग गया कि डायरेक्टली आपको यहाँ से मैक्सिको पहुँचवा दिया जाता है किसी तरह फ्लाइट से दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है डायरेक्ट इटली होते हुए यूरोप होते हुए या फिर साउथ अमेरिका होते हुए मैक्सिको लैंड करते हैं इसका रेट मेरे ख्याल से अभी चालीस पैंतालीस लाख रुपये चल रहा है जो कि काम किसान के बच्चे जाते हैं मोस्टली और सारे वो अपनी जमीन बेच के किले वगैरह बेच के एक एजेंट को देते हैं चालीस पैंतालीस लाख रुपए उन्हें मैक्सिम पहुंचवा दिया जाता है भाई गया? जब वो एयरपोर्ट में सॉरी काट रहा हूं जब वो जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उतरते ता, उतरते टाइम भी इमिग्रेशन जो होती है होती है, तो है। उनको वीजा वीजा सब प्रॉपर मिला होता है बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन वाले उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें दिल्ली से ही नहीं चढ़ने देते तो एजेंट की गारंटी है अब अलग एजेंट अलग अलग है कुछ एजेंट कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूं कि अमेरिका तक पहुंच जाए वहां तक की गारंटी कुछ कहते हैं भी मैं यहां से निकलवा दूंगा वहां तक की गारंटी शुरू में एजेंट जितना झूठ बोल सकता हूँ ना उतना बोलता है क्योंकि उसे क्लाइंट किया एजेंट बोले भाई वहां पे नौकरी भी तैयार है आपको बस मेरे को इतने पैसे देने और इसकी लाइफ सेट है एक बार वो इंडिया से गया एजेंट अपना फरार इधर उधर छोटे लेवल के जो एजेंट है क्योंकि उसकी सिरदर्दी खत्म काफ़ी लोग रास्ते में मर भी जाते हैं क्या होता है कि छोटी छोटी बोट्स में ऐसे लोग ये तो आसान रूट की हम बात कर रहा हूँ मैक्सिको वाला जो मुश्किल रूट है उसमें क्या बीस पच्चीस लाख रुपए लेते हैं और और कंट्रीज़ के थ्रू भेजते हैं जैसे यहाँ से ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया बहुत कॉमन डेस्टिनेशन सर्बिया भेज दिया फिर उससे वो पार करके यूरोप में घुस गए यूरोप से वो करते करते वो चले गए इटली वगैरह या पोर्टुगल पहुँच गए या फिर छोटी सी बोट में बिठा दिया जिसकी कैपेसिटी तो है दस लोगों की लेकिन उसमें बीस तीस लोग बिठा दिए किसी को तैरना नहीं आता कोई गिर गया बोट डूब गई तो लोग रास्ते में मर जाते हैं जंगलों में ले गए अब जैसे ये तो आसान रूट मैक्सिको पहुँचाया वो दीवार कूद दे दीवार कूदते उन्हें अमेरिका की पुलिस पकड़ लेती है पुलिस पकड़ते हुए पूछती है कि भाई तुम यहाँ कहाँ से आओ कौन से देश से हो तो इंडिया वाले बताते हैं इंडिया से पाकिस्तान वाले भी आज के लिए बोलते हैं कि हम इंडिया से क्योंकि अमेरिका इमिग्रेंट्स ले रहे हैं उन्हें ही पता है लेबर की कमी है भाई सस्ती लेबर हमें मिल रही है कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आओ थोड़े आओ लेकिन वो आजकल इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जो साउथ अमेरिकन है उनके आसपास वाले देश हैं उनमें ड्रग्स का सिस्टम कार्टेल्स गैंग्स का सिस्टम बहुत है तो वो क्राइम बढ़ाते आगे दूसरा अभी एक नई चीज़ आगी वो वो ना थोड़ा सा मेरे को अंदर की किसी आदमी ने बताया लास्ट टाइम में अमेरिका था पिछले महीने कि ना थोड़ा सा वो इस्लाम को अवॉइड कर रहे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज है ना वो आके शायद ऐसा चाह रहे कि इधर ये रिलीजन ना फैलाए उनकी ऐसी सोच है कि भी गवर्नमेंट की तो वो सोच रहे हैं इंडियंस है मोस्टली पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़ा लिखा भी होता है तो क्रिमिनल नहीं होता तो वो इंडियंस और सबकी जैसे उनको एक लॉकअप में डाल देते हैं वहाँ पर जो भी लोग दीवार कूद गए पुलिस पकड़ के लॉकअप में लेगी फिर उनकी पेशी होती है कोर्ट में जज के आगे एक आदमी उनके लिए केस लड़ता है कोई वकील वो आपका पहले से कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए या एजेंट करा देता है या आपका अमेरिका में कोई कॉन्टैक्ट है जज के आगे पेश हो गया आदमी बोलता है पंजाब वाले यूज बोलते हैं कि इंडिया में जो सरकार है उससे हमें खतरा है या हमारे परिवार में हमारी लड़ाई हो रखी है पड़ोसी लड़ाई हो रखी है हमारी जान को खतरा है जज को लगता है जज अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई इसकी जान को खतरा है इसके देश में तो वो उसे असाइलम दे देते दे हैं अमेरिका देश में उसमें वो असाइलम क्या होता है भाई असाइलम बेसिकली उसे प्रोटेक्शन दे दी कि तू हमारे देश में रह तेरे देश में तेरी जान को खतरा है लेकिन वो वापस इंडिया नहीं जा सकता एक बार उसे सिटीजनशिप मिली उसके हाथ में वहां का पासपोर्ट आ गया तो बात अलग है लेकिन अभी वो इंडिया नहीं जाता जब तक तो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती या फिर वहां का लीगल सिटीजन नहीं हो जाता क्योंकि ये तो फिर बेसिकली हिपोक्रेसी होगी कि आपको ले लिया आपने ये बोल के कि मेरी जान को खतरा है और फिर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो सरकार को पता चल जाए तो आपको कभी घुस नहीं देंगे इसी केस में ऐसा भी होता है कि कई लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, उनका केस मानती नहीं भाई तुम्हारी जान खतरा नहीं है, था। है। हाँ। तो, तो, तो पैसे गए पैसे बताओ तो जिसमें वो पनामा वगैरह ले जाते हैं कोलंबिया पहुंचा देंगे या पनामा पहुंचा देंगे पनामा के जंगल बहुत खतरनाक है भाई बहुत घने जंगल और जंगल है और काफी लोग जंगल का सफर तय नहीं कर पाते को किसी को सांप डस गया तो रास्ते मर गया किसी का पैर कट गया पैर टूट गया जानवर ने मार दिया जिन दिनों में था आ, एल सेलवाडोर था उन्हीं दिनों की बात है एक इंडिया गई कैथल का लड़का था वो क्रॉस कर रहा था और उनकी वहां पे गैंग होती है लोकल माफिया बहुत चलते हैं सेंट्रल अमेरिका में उनकी कोई गैंग वॉर हुई या कुछ हुई तो उसको मार दिया बिना और ऐसा बहुत कॉमन होता है जो भी आए हुए हैं उधर इंडिया वाले एजेंट ने तो भेज दिए डोंकी के लिए लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं उन सेंट्रल अमेरिका के जो लोकल माफिया वाले तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जानवरों को भी ट्रीट नहीं करते भागो चलो इधर सो जाओ ना कुछ खाने का किसी के पास कुछ खाने का लूट लिया किसी का फोन है वो लूट लिया किसी के पैसे है, वो लूट लिया। ऐसे रखते है। और कोई ज्यादा बोले तो मार भी देते हैं ऐसा भी होता है तो... पर भाई ऐसे जा रहे हो तो फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ क्योंकि इलीगली जा रहे हो कोई समझेगा ही नहीं कुछ आप हाँ जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं अमेरिका से नीचे की तरफ आने लग रहा था लेकिन एक बारी निकारोगा देश में मेरे को एंट्री नहीं मिली तो मेरे को वापस ऊपर जाना था एक बारी तो जब मैं ऊपर की तरफ जाने जाने लगा ना तो वो रोड और सिटी का रूट वो डोंकी रूट ही बन गया तो कोई बस वाला मेरे को बस में बिठाने को तैयार नहीं कोई ऑटो वाला ऑटो में बिठाने को तैयार नहीं मैं उनसे कारण पूछता भाई बोलते क्यों बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो वो स्पेनिश में मेरे को बोलते फिर स्पेनिश में हमारी बात होती बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो और तुम इलीगली अमेरिका जाओगे फिर बोलते सुएवे अमेरिका ना सुए वे मतलब सपना अमेरिका ना मतलब अमेरिका तुम्हारा अमेरिकन ड्रीम है तुम इलीगली जा रहे हो फिर मैं पासपोर्ट निकाल के दिखाता भाई मेरे पास अमेरिका का वीजा है मैं अमेरिका से यहाँ घूमने के लिए लिया मेरे को बिठा लो तो तब जाकर मेरे को बिठा लेते थे कोई पुलिस वाला भी बस में जैसे चेकिंग करने आएगा सीधा मेरी सीट पर आएगा हाँ दिखा भाई चल जेल में मैं बोला अरे पासपोर्ट है मेरे पास वीज़ा भी है मैं वैसे जाने लग रहा हूँ लीगली कोई मानता ही नहीं था क्योंकि एक तो इंडिया में ट्रैवलिंग का कल्चर नहीं है बैक पैक इस उधर जाते नहीं हर इंसान जो उन्हें दिखता है सौ सौ के ग्रुप जाते हैं या जो भी दिखता है यूजुअली वो इलीगली ही जा रहा होता है तो इसलिए काफ़ी उस टाइम लगता है भाई रेसिज्म हो रहा है पर क्या कर सकते हैं भाई अपने लोग ऐसा कर भी रहे हैं और भाई जो आप कार्टेल वाली बात बता रहे हो कि वो लोग अपना बढ़ा रहे हैं हाँ। जैसे ऐसे लोग भी आ हाँ। हाँ। तो भी रहे हैं तो इंडियंस इंडियन नहीं घुस नहीं रहे इंडियंस हैं यूजुअली जाते है, वो नौकरी करते हैं या तो किसी गैस स्टेशन में पेट्रोल वगैरह पे या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर पे जो मेन कैशियर का काम है वो इंडियंस करते हैं क्योंकि अपने को क्या एक्स्ट्रा फायदा है कि इंडियंस चाहे इंग्लिश बोल ना सकते हो फ्लुएंटली समझ ऑलमोस्ट हर आदमी लेते हैं काम चलाओ तो जल्दी बोलना भी सीख जाते हैं और जल्दी उनकी अमेरिकन इंग्लिश समझनी भी सीख जाते हैं तो ये एडवांटेज तो ये है दूसरा इंडियन शरीफ होते हैं इनके कंपेरिजन अपना इतना ड्रग्स का चाहे इंडिया में इतनी ज्यादा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है फिर भी क्राइम उस हिसाब से इतने बड़े नहीं है आप साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका इन देशों में जाओ छोटे छोटे देश है लेकिन हर आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है अपनी उम्र का अपने इतने ज्यादा ज्यादा क्या क्राइम है किसी ने कोई ड्रग ट्राई कर लिया तो कर लिया यूजुअली क्राइम होते हैं पर वहां पे हर आदमी एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मेंबर है जो कि पूरी सिटी का ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं जो बाद में अमेरिका जा रहे है जो भी हो रहा है तो वो चीज आगे अमेरिका में फैलाते हैं कि ड्रग्स कंट्रोल करो और, और और प्रोस्टिट्यूशन या ये सारी और इंडियन यूजुअली नहीं करते सब वैसे इनके हेड जेल में रह के भी चला रहे हैं ये सब ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी जैसे मेक्सिको में मेक्सिको में जेल में रह के भी वो सिस्टम भी इन्वॉल्व है भाई जब तक सिस्टम पूरी तरह उन्हें नहीं करेगा तो होती होती है भाई सारी चीजें दोस्तों बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम रियल 11 की थोड़ी बात कर लेते हैं किसी भी और ऐप पर जब आप अपने पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको विड्रॉल चार्जेस देने पड़ते हैं लेकिन रियल इलेवन पे ऐसा कुछ भी नहीं है आपको एक भी पैसा विड्रॉल चार्जेस के रूप में कहीं पर किसी को भी नहीं देना आप अपना पूरा पैसा बिना विड्रॉल चार्जेस के विड्रॉ कर सकते हो साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन में एंटर करने के लिए सबसे कम एंट्री फीस रियल इलेवन पर लगती है तो आप सबसे कम एंट्री फीस के साथ किसी भी कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हो और एक और चीज़ दोस्तों आपको अपनी डिपॉजिट पर जीएसटी नहीं देना तो रियल इलेवन आपको ऑफर करता है जीएसटी एस फ्री डिपॉजिट्स तो बताओ इससे बढ़िया ऐप कहाँ होगी यार किसी भी मैच को एंजॉय करने के लिए तो रियल इलेवन डाउनलोड करो अपने नाउ चलो अब बातों को आगे बढ़ाते बहुत मजेदार बातें चल रही हैं लेट्स गो भाई और किसी कंट्री का स्कैम बताओ कुछ चटक स्कैम हो रहा हो किसी कंट्री का स्कैम्स भाई हर देश में अलग अलग, अलग तरह के स्कैम है छोटे से लेके बड़े स्कैम्स सारे हैं पर मैंने देखा है जो जगह मतलब ज़्यादा टूरिस्टी है वहाँ पे इस तरह के स्कैम होते हैं कि भाई टूरिस्ट से ज्यादा जाद ज़्यादा पैसे लूटे जाए जैसे इजिप्ट हो गया पिरामिड्स के लिए वहाँ पे सारे आते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई वैसे इतने ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के लोकल्स सोचते हैं कि भाई हर आदमी जो भी है वो एक वॉकिंग एटीएम है इनसे जितने पैसे ले इसको ले लो कैमल राइड पर बिठा के दूर ले जाएंगे फिर बोलेंगे पैसे दो ये छोटे मोटे स्कैम है इसके अलावा जैसे अफ्रीका के थोड़ी और देशों की बात करें वहाँ पे अलग तरह के स्कैम है अफ्रीका में जैसे स्कैम से ज़्यादा फोन चोरी कर लिया पासपोर्ट चोरी कर लिया मैं इथोपिया में था तो मेरी सबसे पहले जो मेरे साथ कभी स्कैम हुआ यही हुआ था और मैंने वीडियो भी डाली थी बहुत साल पहले लेकिन तब पता नहीं था ना इतना बताना आता था तो मैंने वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया मेरे साथ हुआ था इथोपिया दरअसल ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है कैपिटल सिटी उसकी एडे शबाब है वहाँ पर क्या करते हैं कि टूरिस्ट का फ़ोन और पासपोर्ट चुराए जाते हैं मतलब आप सड़क पर बाहर निकले हो तो मोस्ट लाइकली आपका पासपोर्ट और फ़ोन चोरी होएगा ही होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे चुरा लेते इतने प्रोफेशनल है भाई वो बंदे हाँ मतलब मेरा एक साथ क्या किस्सा हुआ रात को मैं चल रहा था लकीली मेरा पासपोर्ट नहीं था में नहीं वो पासपोर्ट चुराते फोन चुराते फिर आप सोचोगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया आप किसी का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल करोगे वहां से वो कॉल उठाएंगे बोलेंगे हाँ आपका फोन हमारे पास है आपका पासपोर्ट भी हमारे पास है फ़ोन के इतने डॉलर पासपोर्ट के पाँच डॉलर या जो भी वो पैसे मांगते हैं फिर पचास साठ सत्तर हज़ार लाख रुपए इंडिया के क्योंकि फंस के खड़ा हो जाए आदमी बिना पासपोर्ट के मजबूरी में फोन के तो आदमी दे भी देता है आपने दिए फिर नहीं वही तो आ दो मैं रात को चलने लग रहा लकीली वो ना उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू करी थी तो मेरे साथ मेरे दो भाई गए थे एक मामा का लड़का एक चाचा का लड़का मामा वाला लड़का मेरा तगड़ा सा है और उसको हालांकि मैंने बताया भी नहीं था कि हम कहा जा रहे हैं उसे बस यूँ बोला था फौरन जा रहे वो सोच रहा था जाते कि भी कहीं बिकनी में लड़कियाँ दिखेंगी <laughs> बचीज होएंगे गोरे लोग दिखेंगे <laughs> इथियोिया एयरपोर्ट पे बाहर लैंड होती है उसने कुछ रिसर्च नहीं करी तो वो उन लोगों को देख के अब हमारे मन में तो ये कि हर काला आदमी कोई चोरों चक्का है अपने इंडिया का माइंड वो सारे ब्लैक्स आए हमारे एयरपोर्ट में लेकिन जब आप इथोपिया जा रहे थे आपको मालूम थोड़ी होगी इतनी ईजिली मतलब इतना आम है यहाँ पे चोरी होना फोन वगैरह तब नहीं बताया वो तो वहाँ जाके हुआ तो बस वो बाहर निकलती उसने वो काले लोग देखे एयरपोर्ट के बाहर तो वो उन उनप चीख रहे, इनको नहीं आती। को के के रहने रहे। <laughs> वो भाई कह रहे अब मैं उसे क्या बताऊ वो मेरे को तो ऐसी <laughs> सीधा <दा, सीदा। laughs> अब मैं उसे बता दू भैया सारे ऐसे तो मेरे पे गुस्सा करे रहे मैंने थोड़ी देर और कंट्रोल करा फिर बोला कि यार वो बीच बीच बड़ी बिल्डिंग का छुपी हुई है दिख नहीं रही फिर एंड में होटल में पहुंच गए कुछ नहीं मिला उसे फिर उसे सच्चाई पता चली वो मेरे से बहुत नाराज भी हुआ फिर मेरा बाद में फोन चोरी हो गया तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मेरे को कहाँ ले आया और मेरे साथ ये क्या होने लग रहा है ऊपर से फोन भी चोरी हो गया ऐसी जगह आगे मैं सड़क पे चढ़ रहा रात के ग्यारह बजे का टाइम मेरे वो दो भाई साथ थे और दो सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को कुदरती नया ही चैनल बनाया था फिर भी दो सब्सक्राइबर मिल गए जयपुर के थे वो भाई पता भी नहीं चला एक वहाँ पे ना दुकान थी उस दुकान में क्या करते हैं गाय का कच्चा मांस खाते वो एक बड़ी सी दुकान और उसमें गाय लटका रखी बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे और दूर से वो ऐसे दिख रही है मेरे को वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है तो मैंने अपना फोन वोन जेब में डाल लिया मैंने खुद ही गिनाने लगी और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं भाई क्या चीज़ कर रहे हैं तो मेरी नजर ना थोड़ा उधर से थी भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है पर उसे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा मेरे पास एक आदमी आया एक ट्रे सी ले उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे मेरे नजदीक आके बोला कि भाई ये चाहिए कुछ मैंने उसे दूर से ही कर दिया नहीं नहीं चाहिए जहां तक मेरे को याद है वो मेरे से दो तीन फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी और दो सेकंड के लिए आया था दस पंद्रह सेकेंड बाद मैंने जेब में फोन हाथ डाला तो फोन गाया फोन ही नहीं भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे अकेला था वो क्या दो अकेला बंदा था और हम मेरे दो भाई और दो सब्सक्राइबर हम पांच जने थे उस टाइम अकेले की इतनी हिम्मत और रात के ग्यारह बजे आए वहाँ पे हम बोलते कि अंधेरा हुए बात सड़क पे निकलो ही मत ये रूल है अफ्रीका का मोस्टली कंट्रीज का निकल रहे तो आप बेवकूफ हो हमने सोचा हम लड़के हैं पांच लड़के हैं पांच सौ जवान है हमें कौन क्या कहेगा

लोकेशन के पास आ गई और हमने सोचा बीप कर देते हैं बीप करा कुछ सुनाई नहीं दिया तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के तो मेरे मा, मामा की लड़की शायद इसके पास है मैंने बस शायद ही बोला था भाई 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 उसने जाके उसको मारना शुरू कर कर दिया दिया वो बहुत कुछ उन्हीं के इलाके में और भाई एक आदमी दारू पीड़ा उसे पीटना शुरू कर दिया उसने भाई वहाँ बीड़ सीठी होगी ऐसे ऐसे फिर एक लेडी आई उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी तो ये बोली तुम्हारा फ़ोन चोरी हुआ होगा हम बोले हाँ ना वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी इशारों में जो बात हुई तो बोली अंदर एक गली है उस गली में जाओ वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा अब रात को हम गए बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गए अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है हम बिल्कुल गलियों में और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए ऐसा इलाका भाई घुसे एक कमरा सा था अंदर से शोर आ रहा था तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं उस कमरे में हम घुसे तो आठ नौ लड़के जवान लड़की दारू पी रखी दारू पी रहे और वो स्नूकर खेल रहे और सबके हाथ है भाई आईफोन सैमसंग गैलेक्सी अफ्रीका में जा लोगों के पास फोन ही नहीं होते उनके पास वो फोन हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है तुम में से किसी ने फोन चुराया फोन दे दो वो बोले कौन हो तुम इधर किस तरह आ गए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है वो हम बोले हम जाएंगे नहीं फोन लेके ही जाएंगे तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज्यादा बिगड़े ना क्योंकि इलाका उनका लोग भी वो ज्यादा थे तो पर हमने फिर भी यू था फोन तो लेना ही लेना है क्योंकि फोन में, में मेरी सारी फोटोज उस ट्रिप की और मेरे पास फोन अच्छा था आईफोन था तो उन भाई होगी मैंने खींच रखी उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उस सारा जो उसमें है। सारे उसमें जो रिकॉर्ड सारे ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैक बैकअप फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जैसे अपने तो एयरटेल जियो वोडाफोन वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होगा और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं तो एक ही नंबर होता था तो उसने ना जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी उन गैंग में से बोला कि भी हमारे पास नहीं है तो जयपुर वाला बोला एक सेकंड मैं कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ अगर इधर नहीं बसता तो हम चले जाएंगे वो बोला हाँ आप कॉल कर लो तो उसने क्या करा उसने अपने खुद के फ़ोन पर कॉल कर ली और उसका फोन वो गाड़ी में छोड़ गया था क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे तो उसने अपने नंबर पर कॉल कर ली वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है ना कुछ फ़ोन बजा वो समझ गया ये गड़बड़ है ये तेज़ बन गया हमारे साथ अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है और वहां पे फोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी आपको जेल हो जाएगी अच्छा। लेकिन फंसते नहीं है वो क्योंकि कौन हिम्मत करते हैं उनकी जुगियों में जाके उनसे पंगे लेने की कोई नहीं फंसता उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए तो तब हमारा पलटा थोड़ा भारी हुआ उनसे मैंने बात करी भाई फोन दो और ले दे के रात कि कौन घुसता है उनके जुगे में भाई आप चले गए परमवीर भाई घुसते भाई एक एक आम आदमी पीट दिया आपने वहाँ भाई ने हमारे बिना ही बात पीट दिया शरीफ आदमी था बुरा भी लगता है वैसे पर भाई हम भी शरीफ से हमारा फोन की चुराया सही बात है भाई ये भी बात ही मार दिया भाई ने अरे उसने बहुत मारे यार वो है भी ऐसा देसी आडू जान नहीं होती वो उस टाइप का है बिल्कुल दूध दही खाना सिर्फ और उसे लड़वा लो बस ऐसा है वो और वो तैयार बैठा था मुझे कोई चाहिए गुस्सा उतारने के लिए वो उसने इतना पिटा यार सड़क पे उनके लोकल भी इकट्ठे हो गए छोड़ दो इसे मरे गए तो, <laughs> बहुत कैडा लगा होगा उस बंद अरे भाई बहुत मारे उसके उससे उठा ही नहीं जा रहा था आखिरी में पता नहीं कैसे लेके गए ये खास है हम खा था अरे वो उसे हिंदी में लग रहा वो हरियाणवी में अब मैं वो मेरा भाई इतना इं, फोन, फोन <laughs> उसकी गुद्दी पकड़ रखी अफ्रीकन की और सॉरी समझ फोन काट देखा भाई ये नहीं समझ रहे इंग्लिश में दे समझ तो लेगा अगला सॉरी समझ बैंड बेरा हमने कहा <laughs> शाणा बनायो गुणाशाना बन रहे हो और भाई उसके एक बात बोले मेरे एक एक वो मेर मेर बिल्कुल में एक ट्रिप मिलता है आम बच्चों को घर पे उसने इतनी मन्नतें करी है। वो जाऊंगा और बोला तू ले गया अफ्रीका और आप वो कंटेंट देंगे वो कहीं लेके जाओगे ना और इस बार पार्टी वाली जगह लेके जाना उसके एक बार लेके जाना पड़ेगा भाई पार्टियों से पार्टियों

पहले से बन, बनी हुई होती है वहाँ जाके बनाते हो तो, तो हाँ अच्छा सवाल है इसको ठीक वे में मैं आंसर करूँ तो भाई वहीं जाके बनाता हूँ और पार्टीज़ की तो हमने काफ़ी बात पिछली वीडियो में करी हॉस्टल से रिलेटेड या चलो आपको लड़कियाँ दोस्त बनानी उसके बारे में बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ आप सभी को मैं एक एडवाइस दूँगा आपके पास अगर स्टोरीज हैं ना अगर आप फ़नी हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो हॉस्टल में रुके आमतौर पे ज्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियाँ होती है क्लब्स में भी ज्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियाँ होती है तो क्या आप में वो एक्स्ट्रा चीज़ है कि लड़किया और लड़कों को छोड़ के आपके साथ बाहर पार्टी करने जाए घूमने जाए आपके साथ आपको वीडियो बनानी तो आपको वो शहर घुमाने जाए तो आपको आउटस्टैंड करना पड़ेगा बाकी लड़कों को उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जाके लड़की से बात करो कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुल हो उसे छेड़ो छाड़ो मत कभी भी रिस्पेक्टफुली बात करो लड़कियों में भाई ये बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है वो तभी पता चल इंट्यूशन होते हैं उनके वो समझ लेती है लड़का मेरे से क्या चाहते हैं गलत सोच के साथ कभी मत जाओ पहले ही समझ लो भाई ठीक है मैं एक दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ बाद में घूमेंगे फिरेंगे जो वो बाद की बात है गलत सोच के साथ शुरू में बिल्कुल मत जाओ रिस्पेक्टफुल उसे अप्रोच करो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है लड़कियों को लगे ना लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली उसके पास कम ही नहीं है ऑलरेडी उसे दस लड़के आगे अप्रोच कर चुके हैं आपके बाद बीस और करेंगे तो आपको स्टैंड आउट करना है रिस्पेक्टफुल रहो कॉन्फिडेंट रहो और फनी फनी होना बहुत जरूरी है अपन भाई बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भी मजाकिया होना मैं मानता हूँ अगर आप मजाकिया होना हर लड़की आप में इंटरेस्ट लेगी सही सही बात कह रहे हो बॉडी लेडी नहीं है कुछ भी नहीं है फनी हो तो चलेगा हाँ फनी फनी होना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस और बातें करनी आनी चाहिए थोड़ी आपकी फिजिकलिटी अच्छी होनी चाहिए दिखने में ठीक होना चाहिए पर ये चीजें तो एक दिन में आदमी नहीं कर सकता ये चीजें जो आप ध्यान में तबाप रख के जा सकते हो उसके बाद अगर आपके पास स्टोरीज़ है एक्सपीरियंसिस है तो वो वहां तो मैं आई जाएगी एक्सपीरियंसिस और स्टोरीज़ कैसे आएंगी जब आप और ट्रैवल करोगे और लड़कियों से बात करोगे और घूमोगे तो अपने आप आपके पास एक्सपीरियंस आते रहेंगे लड़कियाँ तभी समझ आदमी इंटरेस्टिंग है वो आपके साथ जाएगी तो मेरे साथ यूजुल यही होता है मैं जाके मेरे पास इतने एक्सपीरियंस हो गए अब दुनिया भर के मैं लड़की से पूछता हूँ भाई अपने आपको इंट्रोड्यूस करके कहाँ से है दूँ वो बोल देगी ठीक है जर्मनी से जर्मनी में कहाँ से हैम्बर्ग से अच्छा हैम्बर्ग में मैं उधर रहा था हैम्बर्ग में कौन से एरिया से तू मैं उधर हूं अच्छा उधर एक डोनर कबाब वाले उसके कबाब तेरे को पसंद है लड़की चौक जाती है इसको इतना कैसे पता हाँ। तो मेरे साथ यूजुअली होता है एक्सपीरियंस यूजी आपको हर हर आदमी के के बारे बारे में में या फिर इंटरेस्ट कुछ कुछ ना कुछ आपको पता होता है और आप ऐसा कुछ बोलते हो कि मैं ब्लॉगर हूँ पे डॉक्टर हूँ यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ ऐसा कुछ बोलते हो क्योंकि उनको थोड़ा विश्वास दिलाना होता ना कि मैं यहीं से हूँ मैं ज्यादा जानता हूँ नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलता मैं एकदम ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मैं अभी आया हूँ वो पूछती है तो फिर बाद में अपनी चीजें एड ऑन करते जाओ अब उस वो, वो पूछेगी कि भाई क्या करते हो यहाँ लिए आए हो कब से घूम रहे हो तो मैं बोलता हूँ भाई छह महीने से घूम रहा हूँ एक साल से घूम रहा हूँ फिर वो और क्यूरियस होती है भाई इतने टाइम से कैसे घूम रहा है तू तो कैसे अफोर्ड कर रहा है पैसे कहाँ से ला रहा है फिर वो पूछती है तो हमें बताता हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ फिर वो और फैसिनेट होती है भाई तेरी क्या लाइफ है दूसरी चीज है कि अब जैसे मैं लैटिन अमेरिका में था मैं लड़कियों से कभी बात करता था तो मैं इंग्लिश में बात करता था हालांकि मैं बेसिक स्पैनिश बोल लेता हूँ उन लड़कियों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती उनको स्पैनिश अच्छी आती है पर फिर भी हमेशा मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगा इसके पीछे का कारण क्या है लड़कियाँ यूजली ये ढूंढती है कि जो लड़का हो ना वो उनसे सुपीरियर हो किसी ना किसी चीज़ में अब मैं किसी लड़की पास के पास जाके बात करूँ मैं उसे हाई इंग्लिश में बोल लूँगा आई एम परमवीर वट्सो नेम वो बोलेगी आई एम मारिया पैरो आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश मैं बोल लूंगा वाव यूर इंग्लिश इज अमेजिंग वो बोलेगी डू यू स्पीक स्पेनिश हबलास स्पेन मैं बोलूंगा सॉरी आई डोंट स्पीक स्पैनिश मैं बोलूँगा मुझे स्पैनिश नहीं आती तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है लड़की की तारीफ कर दी और इंग्लिश में बात करूंगा <laughs> हाँ फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी लड़की मेरे से पूछ लेगी वेर आर यू फ्रॉम मैं आई एम फ्रॉम इंडिया फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको येस माई फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको आई लव द कंट्री फिर थोड़ी देर बात चली वो मेरी कोई बात समझेगी नहीं वो कोई बात जब वो मेरी बात नहीं समझेगी तो सब कॉन्शियसली वो रियलाइज करिए ये, कर ये मेरे से किस चीज़ में अच्छा है जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो सोच रही है मेरे से अच्छा है तो लड़कियां सब कॉन्शियसली जब उन्हें लग रहा रहेगी लड़िया लड़का मेरे से सुपीरियर है किसी चीज में वो अपने आप दब जाएगी बैकफुट फुट पर आ जाएगी और लड़के से इंप्रेस हो जाएगी फिर वो कोई चीज़ मेरे को बोलना चाह रही है इंग्लिश में लेकिन वो बोल नहीं पा रही अब मेरे को स्पैनिश आती है लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था मैं वो बात स्पैनिश में बोल दूंगा क्या तू ये कहना चाह रही है लड़की डबल इंप्रेस हो जाएगी वाह तेरे को तो आती है स्पैनिश और तूने मेरी मन की बात बुलवा ली तो हमेशा ना ऐसे खेलो वो लैंग्वेज चूज करो वो मीडियम चूज करो वो ग्राउंड चूज करो जो भी आप चीज कर रहे हो जिसमें आप लड़की से सुपीरियर हो ताकि उसे दिखे कि आप सुपीरियर हो और वो इंप्रेस हो वो, भाई तगड़ी टैक्टिक है तो, यार आप ये कि ये, कि ये किसने सिखाई, ये कि कौन से ट्यूटर ने सिखाई? ये वै वै जो ट्रैवलिंग करते-करते आप जुदा करना भी सीख गए <laughs> <laughs> भाई ऐसे ही नहीं कहते ट्रैवलिंग एक 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 अलग अलग अपने आप में में वो है है लर्निंग सीखे भाई वैसे मैं मैंने ना ना चीज नोटिस करी पार्टीज जैसे इंडियन बाहर गए हैं तो इंडियन फिर भी ना तहजीब के साथ जैसे अप्रोच भी कर रहे हैं तो नॉर्मली करते हैं लेकिन बाहर के लोग ना थोड़े बदतमीज होते हैं जैसे कि उन्हीं की कंट्री के तो वो सीधे आके बात बात नहीं करते सीधा लेते हैं भाई ये पता नहीं क्या पकड़ लेते हैं ये वो ये यूजली जो नशे में वो करते हैं तो दादा इंडियंस के साथ पता है आपको करना ही आएगा दिक्कत पता है क्या लड़की ने दिखा दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या रिजेक्ट कर हाँ। दिया फिर भी चिपके रहते हैं हाँ। नहीं मैं यूं कर लूंगा बट आई वॉन्ट टू मैरी यू कैसे तू अभी मिला इसे पास मिनट पहले शादी की बात कर रहा है लड़की तभी समझ जाती है भाई ये आदमी भूखा है इसने कभी लड़की देखी नहीं

डांस वांस कर रहे भाई अंग्रेज आए उन्हें उठा लिया गोदी में सीधे ही बिना बात बात करे भाई उठा रहे हैं और वो इनमें किस बात का अलग कॉन्फिडेंस और लड़कियां भी कुछ कह नहीं रही उनसे मतलब उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली भगाया उन्हें पर कुछ कहा नहीं तो हमने कहा यार ये कैसी वो ऐसी थी थी कि ये यूज्ड टू है है उनके साथ होता रहता है, तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी. क्योंकि गोरे ना यूं सोचते हमने पूरी दुनिया पे राज करा और हम हम ही पूरी दुनिया के राजा है बेबी हम कुछ भी कर सकते हैं इनके मन में है अच्छा। वही चीज अगर कोई और आदमी करता ना वो चीज अपन इंडियन कर दे या कोई अफ्रीकन कर दे वो बवाल मत जाए की भी ये देखो ये आदमी होती है ऐसे रेसिज्म गलत नहीं है ये ऐसे ही करना चाहिए भाई थोड़ी ना परवरिश भी आती है अब वो जो बंदा जो गोरा है हो सकता है वो जैसे बाहर के लोग तो गलती से ही बच्चा कर देते हैं गलती से पैदा हो गया वो अब उनको वो सीखते आए हैं संस्कार नहीं है भाई ये लेकिन ये ये इनके आगे कोई इंडियन ले जाए ना बंदी आ, तो ये चिड़ भी जाते हैं कि आ, कैसे ले गया देखते हैं घूरते हैं फिर आपके साथ तो होता आ, होगा भाई हर बार ही होता है हर बार होता है भी जब भी मैं हॉस्टल में बैठता हूँ जब ठीक है लड़के बैठे मैं अभी पढ़ लेता हूँ पिछली बार मैंने बताया मैं इंसान जल्दी पढ़ लेता हूँ तो कुछ लड़के होते हैं हॉस्टल्स में या क्लब्स में उनकी इंटेंशन सिर्फ ये होती है कि हमें तो यहाँ से लड़कियां उठा के लेके जानी है वो अलग ही दिख जाते हैं कि इस काम के लिए आए हुए हॉस्टल में भी हर चीज़ वो लड़की पे लाइन मारने के चक्कर में नंबर बनाने की आपसे भी वो बात कर रहे हैं तो लड़की को दिखाने के लिए कर रहे हैं वो तभी समझ में आ जाता है और हर बार मेरे साथ ऐसे होता है वो लड़का एंड में यूँ किसी ना किसी को बोल रहा था देखिए इंडियन था लंबा सा ये इससे लड़कियाँ बात करने लग रही है इससे क्यों कर रही ये तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूरोपियन हूँ लड़की ने देख मेरे से बात नहीं तो लड़कियाँ समझ जाती है भाई वो भी पागल नहीं है आप सिर्फ इस चीज़ को फ्लॉन्ट करो भाई मेरी गोरी चमड़ी है और इसी पे आप अपने आप को इंप्रूव ना करो एज अ मैन अच्छे आदमी रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं बनो कुछ नहीं कर सकते भाई आप कुछ कहीं जाने अब गोरे आ, थोड़े आ, पीछे छूट रहे धीरे धीरे अब आगे निकल गए भाई लोग यार ऐसी स्किन के लिए अंग्रेज समुद्र पे लेटते हैं हैं टैन टैन होते रहते है ट्रीटमेंट लेते हैं ये ब्राउन स्किन पाने के लिए हमारे पास तो भाई नेचुरली है भाई हम तो थाईलैंड में गए थे ऐसे लेट रहे थे लाइन से हमने कहा भाई हम तो दूर भाग रहे हम और ना हो जाए सनस्क्रीन लगा के भाई और एक चीज़ एक और ट्रिक थी हम ना एक मतलब हम लंदन में थे और पहली बार गए थे तो वहाँ हमें ना हमारे नोन थे वो क्लब में ले गए तो वो क्लब के ओनर थे उस जगह के तो भाई

कह रहा इनसे जितना झूठ बोल सकता है अगर इन्हें लग गया ना तुम ट्रेवलर हो ये समझ जाएंगे तुम एक ही चीज चाह रहे हो एक तो नाम बताओ इजी तुम्हारे नाम बहुत मुश्किल होते हो तो नाम बताओ इंग्लिश वाले और ये बताओ हमें स्टूडेंट हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं या बोलो हम डॉक्टर है झूठ बोलो इनको ये मत दिखाओ ट्रैवलर हो तुम ये चीज इधर ज्यादा काम करती है लेकिन थाईलैंड में क्योंकि इधर सारे इंडियंस इधर आते हैं टूरिस्ट और जो लड़की आती है वो भी सब टूरिस्ट है और जगह इतने इंडियंस दिखते नहीं और लड़कियां भी लोकल होती है लंदन में भी है आप बोल ही नहीं सकते मैं यहां रहता हूं, आ, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो हॉस्टल में आपको और मिलेंगे भी ट्रैवलर्स बट जब आप सिटी में हो तो झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा मतलब वहां पर ऐसा हो गया तो मैं अपना नाम बता रहा चार्ल्स हा मैं था मैक्स और ये था डर और एक बारी को तो ये हो गया था कि जैसे हम पार्टी करे एक जगह इसने अपना नाम आ, बोला की मैं चार्ल्स हूँ अपना नाम बोला की मैं डैनियल तो आ, पार्टी करते आ, करते हो जाता है कि आ, आमने आमने सामने सामने आ जाते हैं तो तो हम ऐसे बेसिकली तो मैं एक लड़की के साथ था मैंने उसको बोला चार्ल्स तो मैं उसके साथ पार्टी कर रहा हूँ अब ये एक और फ्रेंड एक बंदी के साथ था मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियाँ दोस्त है ठीक है ये मुझे दिख गया मैं कर रहा हूँ और पीयूष मजा आ रहा कर रहा डैनियल हूँ मैं डैनियल हूँ <laughs> बोल है ये लड़के दूसरे को <laughs> ओ भाई अच्छा अब इंटरनेट आ गया हम गए थाईलैंड तो ये और मैं ही गए थे न्यू ईयर पे तो वहां किसी से बात हो रही तो हमें ना रील बनानी थी वहां फॉरेनर्स के साथ हमने बनाई भी है हम अक्सर अप्रोच इसलिए करते हैं ताकि कंटेंट मतलब मतलब बना ले व्लॉग में दिख जाए लोगों को मजा आ जाए कि भाई बाहर गए हैं कुछ अलग बना रहे हैं लौंडे तो हम इस चक्कर में लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो भाई हमें अप्रोच करना था तो वहां पे फिर वही अपना मैक्स और चार्ल्स <laughs> तो अब लड़कियां स्मार्ट हो गई नो दिस नॉट इंडियन नेम पता चल गया भाई उनको दिस इज नॉट एन इंडियन नेम फिर हमने बताया शुभम पीयूष तो उससे वो समझ गई हाँ <laughs> पर

उसने अपना नाम बोला ये और अपना नाम बोलने की जगह मैंने एक पिकअप लाइन बोल दी मैं बोला माय नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट वो भाई वो, वो उसी टाइम वो वो मौके पे, सही मौके पे पे सही क्योंकि पार्टी के माहौल से आई हुई है रात को टाइम बोली मेरे को अपना नंबर दो और सब के आगे नहीं लड़की को लड़की आप में इंटरेस्टेड हो तो अलग थोड़ा करती है सबको दिखाती है मैं इंटरेस्टेड हूँ वो भाई उसी टाइम इस बात पे सिर्फ इतनी सी पिकअप लाइन पे इतनी इंप्रेस होगी बोली अपना नंबर दो गिव मी यूर इंस्टाग्राम ये वो भाई लिख ली लाइन लिख ली मैंने

पहले डेटिंग एप्स तो भाई सबसे कॉमन मेरी ख्याल यही है टेंडर और इंडिया में बम्बल मेरे ख्याल सबसे ज्यादा है हिन्ज आई या शायद तीसरी कोई आ, ये ज़्यादा चलती है बाहर मेरी ख्याल टिंडर तो ऐसी हर जगह हर कंट्री में मिलेगी दूसरी शायद बम्बल भी चलती है काफ़ी बाकी फिर हर देश की कोई ना कोई लोकल होती है ऐसे कुछ डेटिंग एप्स भाई मैंने पर्टिकुलरली यूज़ करी है पर क्या होता था कि ना मैं हमेशा से यूँ चाहता था कि ना कोई लोकल पार्टनर मिल जाए मतलब कोई लोकल आदमी मिल जाए उस देश का पहले तो मेरी ट्राई रहती है एक सर्फिंग हॉस्टल वर्ड उसमें बाद में आता हूँ मेरे को कहीं पे कोई लोकल आदमी मिला तो मैं सोचता हूँ लोकल लड़की ढूंढो जो मेरे को घुमा सके फिर मैं क्या करता हूँ तो अपना प्रोफाइल बनाया टिंडर पे उस देश की सुंदर लड़की पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है इसके नखरे होंगे ये एक्सपेक्ट करेगी कुछ और उसके पास बहुत लौंडे भी उसके पास बहुत लौंडे होंगे मैं जो एवरेज बिलो एवरेज लड़की हूँ ना उससे मैंने स्वाइप करके चैट कर ली ठीक है यहाँ मिलते मैं यहाँ पे घूमना घुमा दे वो मेरे को घुमाएगी बढ़िया अब वो अब बिलो एवरेज थी वैसे मैं इंटरेस्टेड था नहीं बाद में मैं किसी से चल कल अपन आराम से मिलते हूँ तो मैं अगले दिन निकल जाता था तो वैसे तो गलत है <laughs> अच्छा मेरे साथ अगली को भी नए कल्चर के बारे में पता चल रहा और... तो है उसके पैसे लेके जा रहा हूँ रहा हूँ चोरी चकारी अगली को खाना ही खिला रहा हूँ इस बार उसने घुमा दिया तो गलत भी नहीं पर उसमें हाँ, उसमें मैंने करा है 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 भाई भाई यूज और दोस्त बनाने सबसे ट्रैवल के टाइम सर्फिंग ऐप आप, आप लोकल होस्ट देख सकते हो लोकल उस देश में ट्रैवलर्स जो भी हो देख सकते हो उनसे मिलके हैंग आउट करो बड़े बड़े ग्रुप इवेंट्स होते हैं मैं उसमें बहुत जाता हूँ वहां दोस्त मिलते हैं लाइक माइंडेड पीपल हॉस्टल्स में दोस्त बनाओ क्योंकि आप एक क्लब में किसी आदमी से बात करो एक हॉस्टल में करो तो हॉस्टल में जो जिस आदमी से आप बात करो आपके और उसके बीच में कॉमन ग्राउंड है विच इज ट्रैवलिंग एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भी आप दोनों का पैसन है ट्रैवलिंग के बारे में तभी आप लोग हॉस्टल में मिल रहे हो तो मोस्ट लाइकली यू विल लाइक दी अदर पर्सन पर नाइट क्लब में क्या पता अगला आदमी किस टाइप का तो चांसेस कम होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ही मिले तो हॉस्टल्स में बहुत दोस्त बनते हैं अच्छे दोस्त बनते हैं उनके साथ घूमो आगे और ये सब और फिर एक वेबसाइट है हॉस्टल अपना हॉस्टल उससे कराओगे तो आपको उस सिटीज में जो जो हॉस्टल्स में लोग रुके वो भी दिख जाएंगे तो उनसे मिलो हॉस्टल्स में रुको और इंस्टाग्राम में लोकेशन डाल के उस जगह जो जो लोग आए उनको मैसेज कर सकते हो और टिंडर आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ कोई किसी देश में कोई कांटेक्ट मिला ही नहीं ना काउट सर्फिंग से मिला ना हॉस्टल में मिला तो कोई लड़की देख ली भाई जो मुझे घुमा दे क्योंकि उसे मेरे से ज़्यादा पता है उस देश के बारे में हेल्प भी हो जाती है और सिर्फ आपका डेटिंग इंटेंशन है तो भाई मेरे ख्याल से नाइट क्लब्स में जाके डायरेक्टली ट्राई करना भी एक अच्छा ऑप्शन है या फिर टिंडर डेट अपनी सीधा नाइट क्लब में ले जाओ जो भी है टिंडर का आप एक बता रहे थे एक्सपीरियंस कोलंबिया हाँ सची, टिंडर में क्या होता है ये भी होता है देखना पड़ता है कौन से देश में आप टिंडर यूज कर रहे हो कोलंबिया में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप टिंडर यूज करो आप वहाँ पे क्या होता है भाई नाइनटी फाइव परसेंट जो भी टिंडर पे आपको मिलेगी या तो वो स्कैमर है या वो प्रोस्टिट्यूट है तो मतलब वो एक यूजअली जो लोग टिंडर यूज करते हैं कि भी ठीक है या तो हुकअप के लिए या फिर ठीक है पर्सनल कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो लड़की आपसे मतलब चाहे वो स्कैमर है चाहे प्रोस्टिट्यूट है दोनों केस में पैसे ही एक्सपेक्ट कर रही है तो आपसे मिलेगी किसी बात ने आपको ड्रग कर देगी या तो या अपनी जगह पे ले जाएगी या आपको किसी जगह ले जाएगी आपको वहाँ लोग लूट लेंगे तो ये चीज वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है या फिर आपके कोई एस बीमारी वगैरह लग जाएगी तो ये खतरा भी है तो ऐसे देशों में अवॉइड करो मैं तो कहूँगा इन देशों में टिंडर वगैरह मत यूज करो हालांकि यहाँ पे चांसेस बहुत आई है कि आपको एक घंटे के अंदर ही बहुत सारे मैचेस मिल जाएंगे पर वो फिल्टर मुझे नहीं लगता है एक आम आदमी कर पाएगा जो जिसने इतने दुनिया देखी नहीं नया ट्रैवल कर रहा है एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो तो आप कर लो पर नया आदमी मेरे को लगता है वो फंसेगा ही फंसेगा बट फिर भी कर रहे हो तो ये मत करो कि उनकी जगह जा रहा उनकी जगह अपनी जगह इसके इसके भी रूल्स है ठीक है हो गया मैच पर अब शक है कि भी करना है क्या करना है तो उसे आ, अपनी जगह बुलाओ वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो गड़बड़ है क्योंकि तुम मेरे अंदर इंडिया में किसी ने लिया ज्यादा इंटरेस्ट वहां क्यों ले रही है तो गड़बड़ है वो बोले मतलब गड़बड़ है लड़की हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहती है लड़के अप्रोच करे लड़के फर्स्ट स्टेप ले वो एक्सपेक्ट करती है तुम उससे वो भाई है कि मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है मैं नेक्स्ट मूव लू मैं डोमिनेट करूँ तो इसका मतलब वो नॉर्मल लड़की है कुछ भी गड़बड़ लगती है तो रिस्क मत लो ओनली फैंस ओनली फैंस पे आओ भाई कोलंबिया की बात है कोलंबिया का ही किस्सा है भाई ओनली फैंस का तो मैं भाई कोलंबिया में मैं जीन सिटी में अपने हॉस्टल में रुका हुआ था हॉस्टल का नाम था मसाया काफ़ी अच्छा हॉस्टल है तो मैं अपने डॉर बेड में दोपहर का टाइम था सोने लग रहा था और मैं जिम से आया था मैं नहा के सो रहा था और मैं बॉक्सर्स में था सिर्फ दिन के टाइम में हॉस्टल्स में कोई होता नहीं तो मैं मेरी नींद खुली बाथरूम जाने के लिए तो मैंने टी शर्ट पहनने की बजाय मैं सीधा एकदम बाथरूम की तरफ ऊपर वाले बेड से नीचे उतर के आया तो दिन में कोई होता नहीं पर उस टाइम दो लड़कियाँ खड़ी थी उस डॉर में इंग्लिश थी मतलब ब्रिटिश थी इंग्लिश बोल रही थी फ्लुएंट इंग्लिश एक्सेंट के साथ ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है तो मैं समझ गया इंग्लैंड की दोनों सुंदर लड़किया थी पर उनमें से एक काफ़ी ना ज्यादा लंबी थी छः फुट से ऊपर हो गया कुछ और देखा कि भी मैं उस टी शर्ट नहीं थी मेरी बॉडी भी अच्छी शेप में थी एब्स वेब्स दिख रहे थे तो दोनों ने मेरे को छेड़ा सा मतलब कि भी ये वाह सो टॉल आर यू फ्रॉम ब्रिटिश एक्सेंट में बोली और यू आर गोइंग टू द वॉशरूम मैं करके मैं बोला यार तो मैं बाथरूम गया सुसु करके मैं एस्केप करा था क्योंकि मैं थका हुआ था और मुझे पता था कि भाई ये मेरे को शर्म सी आ रही थी मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी पर वो मेरे को किसी ना किसी बहने से जो लंबी वाली थी वो रोकने लग रही थी तो ठीक है भाई वो उसने मेरे को रोक लिया जाने से पहले भाई इतने लंबे कैसे हो मैं बोला कि भाई तू इतनी लंबी कैसे है तू तो लड़की है मैं तो लड़का हूँ बोली कि इतनी है बोला छः चार मैंने पूछा तेरी हाइट कितनी बोली सिक्स वन बोला इतनी लंबी लड़की कैसे तो मेरे को तभी कुछ गड़बड़ सी लगी मतलब ना अननेचुरल सा बहुत लग रहा था बहुत बड़े उसके यहाँ पे ब्रेस्ट थी और शोल्डर्स भी चौड़े शोल्डर्स चौड़े थे मतलब मेरी जितनी तगड़ी लग रही थी मेरे को तो करते करते फिर ऐसी बात चली भाई उससे यूँ लग रहा था कि भाई ना मैं उसे जज करूँगा तो उसने बस बोला कॉज एम ब्रिटिश बोली कि मैं ब्रिटिश हूँ इसलिए मैं टॉल लूँ मेरे को ये बात जची नहीं कि ब्रिटिश तो नहीं स्कैंडिनेवियन बोलती तो तो मैं मान भी लेता भी डेनमार्क या कहीं की तो फिर थोड़ी देर बात तो बात तो मैंने उसके आगे जैसे दिखाया कि भी मैं इजी गोइंग हूँ मैंने उसे जज नहीं किया तो फिर वो खुद बोली कि भाई Uh, मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो मैंने तुम्हें उसने मेरी स्टोरी पूछी यूट्यूब बनाते हो इंस्टाग्राम दो मेरे को फॉलो कर लिया मैंने उसे फॉलो नहीं करा तो बोली कि मेरे को फॉलो करो ना अभी तो तुम्हें चलो ठीक है करता हूँ मैंने फ़ोन उठाया उसका प्रोफाइल खोला तो लिखाया कि भाई वो ट्रांसजेंडर है मतलब वो लड़का था पहले वो अब लड़की बन गई तो इसलिए उसकी आई इतनी ज़्यादा थी उसने अपना सेक्स चेंज कराया था यहाँ तक तो बात चलो ठीक है फिर मैं उससे पूछ रहा था भाई बार बार तुम यहाँ कैसे ट्रैवल कर रहे हो कि भाई मैं तो वीडियोज़ बना रहा हूँ मेरा पर्पज़ ये है तुम्हारा पर्पस क्या है कोई काम से हो या सिर्फ घूमने आयो तो वो जवाब नहीं दे रही थी बात ताट रही थी मुझे कुछ पहले से ही गड़बड़ लग रही थी तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई तू कैसे ट्रैवल करिए तो बोलती कि आई हैव अ बिजनेस मैं मैं बोला अच्छा अच्छा बिजनेस ऑफ वाट तो बोली कि भाई आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस मैं बोला अच्छा वाह ऑनलाइन बिजनेस कॉमर्स ऑनलाइन तो मेरा भी है हाँ तो बोली कि आई आई हैव ओनली फैंस तब उसने मेरे को पता था ओनली फैंस क्या होते हैं एक बार को नहीं बता बता देता हूँ लड़की अपना सेक्शुअल या न्यूड कॉन्टेंट ऑनलाइन बेचती है पैसों के बदले या फिर अपनी बिकनी में फोटोज या बिना कपड़ों के फोटोज लोगों को बेचती है जो उसके पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन पे या फिर हर फोटो के पैसे तो वो ओनली फैंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया वेस्ट में आजकल स्पेशली यूएस में या फिर इंग्लैंड में तो वो ओनली फैंस पर अपना कॉन्टेंट बेचती थी तो जैसे ही मैंने सुना मेरे को पता ओनली फैंस क्या होते हैं पर मैं किसी इंसान से मिला नहीं था किसी लड़की से जो खुद से करती हो अब मैं खुद शौक में तो गया भाई ये क्या करने लग रही है पर मैं उसको दिखाता तो वो बहुत बुरा भी फील करती तो मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि भाई वाह दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल मैं भी जो चीज़ कर रहा हूँ मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ इंडिया में बहुत अजीब चीज़ है ये तो मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत अजीब था कि तू ये क्या कर रहा है तुम भी बहुत सिमिलर हो हमारे करियर बहुत सिमिलर है मैंने उसे कम्फर्टेबल कराया ताकि वो मेरे से बात कर सके इस बारे में खुल के तो उसे लगा भाई हाँ हमारे करियर सेम है जबकि वो अपनी नंगी फोटोज मैं पर मैंने ऐसे बोला हम दोनों कोई ऐसी चीज करे जो नॉर्मल नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ कैसी ये लाइफ होती है ओनली फैंस वाली तो अब उसे पता था कि मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो वो भी एक तरह से कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना रही है तो उसने ज्यादा फ्रैंक होकर मेरे से बात कर ली बोले कि ओनली फैन में जो भी कंटेंट होता है मैं बोला कि भी कौन है आपकी ऑडियंस बोले कि यूजुअली आम आदमी है जो कि या तो डिप्रेस्ड है या फिर बड़ी उम्र के लोग ज्यादा है या फिर लड़के हैं जो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं है वो इस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं मैं बोला अच्छा और जो तुम मारी, तुम अपनी फोटोज वगैरह बेचते हो उसका क्या रेट है उसने बताया कि भाई बिकनी में फोटो इतनी और बिना इसके इतनी अलग अलग उसने रेट बताया दस डॉलर की है पंद्रह की है फिर मैं बोलो इसके अलावा और क्या होता है फिर बोली इसके अलावा वन टू वन चैट सेशन होते हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो मैं तुमसे बातें करूँगी ये सब सेक्सुअल बातें इसके अलावा वीडियो कॉल सेशन होते हैं इसके अलावा कस्टमाइज्ड फोटो आप मेरे को बोलो वैसी फोटो मैं खींच के भेजूंगी आपको हर चीज़ के अलग अलग रेट मतलब मैं वीडियो कॉल पर इतने मेरा रेट और बिना वीडियो कॉल के चैट करनी है तो उसका मेरे ख्याल से एक मिनट का उसने मेरे को कुछ डॉलर बताया पचास डॉलर का उसने पाँच मिनट बताया पचास डॉलर में पाँच मिनट बात करती है मैं बोला अच्छा तो फिर कितने लोगों से बात कर लेते हो ऐसा बोली मैं बात नहीं करती मेरी टीम है वो बात करती है कोई लड़की बात नहीं कर रही हमारे जैसे लड़के रख रखे भेज रहे बेबी शोमी और देश शोमी और वो भाई पूरी टीम होती है पूरा ऑर्गेनाइज्ड है वो अपना मेरे जीन में पार्टी कर रही है अपना आराम से दारू उसकी फोटो कहा जा रही है उसे कुछ नहीं पता उसने पहली कस्टमसी फोटो खींच ली एक फोटो चड्डी पकड़ के खींच ली एक वैसे खींच ली उसमें से कोई डिमांड डिमांड आई आई तो तो भेज 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 दी दी नई उस टाइम बाथरूम में जाके खींच के ये चल रहा है भाई जो तो चैट कर रहे हैं वो उसकी टीम वाले आदमी ऐसे ऐसे चैट करेंगे लड़के को इतना चढ़ा देंगे ताकि वो और पैसे दे फिर उससे और लुटेंगे तो भाई इन चीजों से दूर रहो ये इनकी सच्चाई है भाई लेकिन बहुत लोगों ने पैसे बहुत छापे हैं इससे छापे भाई अब देख वो जो लड़की है लड़की लड़का ही मैं तो उसे वो पहली बात तो लड़की नहीं है लड़का है लड़के से पहले लड़की बनी सर्जरी में पैसे लगाए उसने अपने अब सर्जरी के पैसे तो उसने ओनली फैन से अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं लड़की हूँ या जो भी उससे रिकवर करे फिर अब उसने इतने पैसे बचा लिए कि उसने इंग्लैंड में अपना घर वर बना लियान में रहती है वही वीजा में वहां पर भी प्रॉपर्टी खरीद ली ये लोगों को नकली मैसेज भेज भेज के फोटोज भेज के अब मैंने जीन में पार्टी करने आई हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो भाई ये चल रहा है यूथ बहुत है निकी मिनाज वो भी तो ओनली फैन से बहुत मिलियंस बनाती है अच्छा वो भी करती है तो क्या निकी मिनाज भी। भाई उसकी भी टीम बैठी होगी फिर वो कौन सा पर्सनली बात होगी भाई मैं देखो मैं इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहता जो करने लग रही है गलत हम लोग है जो देख रहे हैं इन चीजों को हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई जो लोग स्क्रीन पे बैठ के पोन देख रहे हैं ओनली फैंस कर रहे हैं वो आदमी हुआ जो और कुछ नहीं है लाइफ में करने को भाई यूथ खराब होने लग रहा है हमारा बहुत अननेचुरल चीज है और ये इसीलिए नए नए तरह के क्राइम्स होने लग रहे हैं आजकल कल इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लड़कियां मार के फेमस हो जाती है तुम देख रहे हो तो भी फेमस हो रही है भाई अपने आप थोड़ी है। देखने वाले तो लड़के हैं सारे भाई वही देखना भी है और वो भी क्रिटिसाइज भी कर रहा है करना है और लड़कियों को दिखाना भी नहीं है सोच में पता छुपा के रखती है हल्का दिखाएंगे उसी में लड़कों को दिख नहीं रहा क्यूरियस करना

और आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है उसके लिए आप पर पर कर कर रहे रहे हो 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 या फिर फिर प्रोस्टिट्यूशन भाई तुम तुम किस बात हो फिर? तुम के आदमी जब खुद जाके शिकार नहीं कर सकते <laughs> <laughs> अच्छा भाई आप इतनी कंट्रीज घूम रहे हो तो ऐसी कोई कंट्री के बारे में बात करते हो जो जहां पे आपने बहुत लग्जरी देखी हो मतलब बहुत अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ अदर दुबई दुबई के बारे में कहते हैं कि बहुत लग्जूरियस है तो और भी कोई कंट्री जो उससे ज़्यादा बड़ी है डाउट मोनाको दुनिया की सबसे लग्जूरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो दुबई दुबई लग्जूरियस है पर दुबई की दूसरी साइड भी है बिल्कुल गरीबी भी है Monaco, बहुत छोटी कंट्री है वर्ल्ड की थर्ड या फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री है इटली के बिल्कुल साथ में में फ्रांस के के एकदम साउथ बहुत छोटी कंट्री कंट्री है ऐसी आप पैदल चल आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो मैंने पैदल चल के सब देख लिया था उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे मॉन्टेकार्लो वही एक मेन शहर है उधर कैसीनो है मोनाको का मोंटे कार्लो कैसीनो और यॉट क्लब है मोंटे कार्लो यॉट क्लब तो दुनिया के सारे बिलियन ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने शो ऑफ करने के लिए और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए भयंकर शो ऑफ है भाई वहां पे इतना छोटा सा देश मान लो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो उसमें भी सुपर कार्स फॉर आरीबोरगिन नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के एक करोड़ से कम आपको वहां कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी मतलब भाई आ, मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे अभी ये अभी ये अरे ये तो उस मूवी में देखी थी उसमें गाड़ियां चलती ही वहां पे सिर्फ वो है अब वहां पे मेरे को रुकना भी था एक रात तो मैंने होटल सर्च करे उसमें तो भाई कोई सस्ता होटल नहीं है ऐसे देश में कहाँ सस्ते होटल मिलने एक दो लाख तीन लाख रुपये एक रात का किराया पर एक बहुत छोटा सा कमरा था जो मेरे को ऑनलाइन काफी रिसर्च के बाद मिला वो पूरे देश की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी भाई वो मतलब ये सोफे ना ऐसे ऐसे दो सोफे बस इतना कमरा था वो और वो था पंद्रह हजार रुपए एक रात का अरे और उसमें भी मेरे ख्याल दस बजे खाली कर दो है। भाई दस हजार का यहाँ पे अच्छा खासा होटल मिल जाता है बढ़िया बढ़िया सबसे फाइव स्टार मिलता है पंद्रह हजार पर नाइट और मेरे को ना वहाँ पे जिम जाना जैसे मैं ट्रेवल करते टाइम डे पास लेके जिम जाता हूँ और देश में आमतौर पर जो डेली पास मेरे को जिम का पड़ता है इंडिया के हजार रुपए पांच रुपए इसके बीच में रहता है तो मैंने वहाँ पे गूगल करा दो तीन जिम्स थे काफी अच्छे जिम लग रहे थे मैंने कॉल करा भाई आपका डेली पास कितने का है तो उसने मेरे को यूरोज में बताया था पता नहीं कितना था लेकिन वो इंडिया के मेरी ख्याल लाख रुपए के अराउंड एक दिन का जिम का पास था वहाँ और, तो और भाई फूड कितना एक्सपेंसिव हो तो भाई, भाई, भाई। फूड तो होना ही था क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स कैफे से सारे बहुत महंगे लेकिन मैंने एक सुपरमार्केट मार्केट ढूंढी उससे मिल गया अपना दूध और मैंने दूध पी के रात गुजारी वहाँ पे दो लीटर दूध धीरे धीरे पिए गया दूध कितने का पच्चीस हजार रुपया नहीं दूध तो कितना अपने इंडिया के हजार रुपए में आ गया था मेरा सामान खाने का भाई वहाँ लोग करते क्या है ऐसा जो इतने वहाँ के पे अमीर लोग आते हैं आते हैं वहाँ का आदमी अमीर नहीं है पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ पे आके रहते हैं टेम्परेली फिर चले जाते हैं वहाँ के लोकल्स तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े ना के बराबर। तो तो हैं कुछ दिन रुकते हैं लग्जरी होटल है कैसी नाम पैसे लगाते हैं अपनी गाड़िया है, शो ऑफ करते हैं एक बड़ा, बड़ा बिलियनियर है वो कॉन्टेक्ट बनाते हैं और बड़े बिलियनियर तो एक मीटिंग पॉइंट है सबसे अमीर लोगों का मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग और पार्टी भी तगड़ी होती होंगी फिर तो भाई पार्टी होती हो पर उस लेवल की था, ना टांग के बस में ही <laughs> 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 तो हो गया था हम पहुंचे पैदल पैदल एक हाई एंड क्लब में वहां पे क्लब्स में घुसे रहे थे बीस पाउंड तीस पाउंड चालीस पाउंड की एंट्री हम पहुंचे तीन लॉन्डे देसी ब्राउन हमने कहा जाकर रोक लेकर कहा जा हो हमने कहा अंदर जा रहा कहा जा रहे हैं लेकिन उससे बात करते हैं कह रहे कि तो उन्होंने देख लिया तो पैदल आया वहाँ पे खड़ी है लैमबर्गनी फरारी लाइन से खड़ी हुई है ठीक है पा करके अंदर घुसरे लोग करे वन थाउजेंड पाउंड एक लाख रुपए की एंट्री एंट्री हमने खुद प्यार नहीं भाई हमने तो कहा तो चलो भैया वापस घर चल हर जगह है भाई ये, ये कुछ कंट्री जैसे मैंने पिछले बोर्ड का बताया था जर्मनी स्वीडन डेनमार्क बेल्जियम नेदरलैंड ये वैसे ना जज भी कर लेते हैं भाई ज्यादातर देख के ना आदमी को पहले ही कर लेते हैं देगा या नहीं देगा इंडिया में भी कर लेते हैं

फ्रांस की उन कैफेज में वो फ्रेंच बेकरी में बैठ के हमें क्रोसो खाना है वहाँ पे सैंडविच खाना है कोबल की सड़कें है सिर्फ ये इमेज हमें पता है क्योंकि ये इमेज हमें दिखाएगी इंस्टाग्राम रील्स पे सिर्फ आपको ये दिखेगी कोई एक मेरे ख्याल एमिलीन पैरिस करके कोई सीरीज है उसमें भी मैंने देखी नहीं पर मैंने सुना उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है जो कि है कुछ चीज बहुत थोड़ा बहुत बहुत अच्छा है बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है फ्रांस ओवररेटेड नहीं है फ्रांस बहुत अच्छा है लेकिन मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ बाकी सिटीज को नहीं बोल रहा भाई पेरिस में ना आप बिल्कुल सेफ सिटी नहीं है एक तो रात को आप वहाँ पे अकेले वॉक नहीं कर सकते रात क्राइम है क्राइम है बहुत ज़्यादा यूज़ुअली और क्राइम्स करने वाले रेफ्यूजीज हैं वहाँ पे जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं या फिर ब्लैक्स है यूज़ुअली वो रात को इलीगली ड्रग्स बेचते हैं बहुत ज़्यादा दारू बेचते हैं इवन टावर के नीचे आप जाओगे आपको आधे इंडियंस मिलेंगे आधे मिलेंगे जो वहाँ दारू बेच रहे होते हैं ब्लैक में तो वो जो उनका वहाँ पे दबदबा है तो इंडियंस को रुकने नहीं देते वो भगा देते तो जैसे वो ब्लैक्स इधर उधर होते तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाणा के और स्टेट्स के जो वहाँ पे ले गए हुए फिर वो आके कीरिंग्स बेचते हैं दारू बेचते हैं टूरिस्ट को हम जा को कि मेरे से कीरिंग खरीद लो फिर वो नीचे एक झोड़ा सा बिछा चा लेंगे चादर से उस पर अपने कीरिंग दारू रख देंगे जैसी पुलिस आती है वो लेके भागते हैं फिर ब्लैक्स को वो दिख जाए कि भी तू इधर क्यों बेच रहा था उन्हें वो पीटते हैं ब्लैक्स कि भी हमारा इलाका हमारी टेरिटरी है और रात को मगिंग वगैरह चोरी रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना क्राइम बहुत ज्यादा और इतनी गंदगी है ना इतनी गंदी है भाई वहाँ पे डस्टबिन खुले पड़े हैं सारी तरफ वहाँ पे कचरा पड़ा है ट्रैश पड़ा है कोई भी फ्लाई ओवर है कोई भी पुल है उसके नीचे आप देखोगे लोग रेफ्यूजीज है यूजअली जो भी कहीं से भी आई है लेट्स से सीरिया से या कहीं से भी आया है वो टेंटों में रहते हैं वहाँ पे गंदगी बिछा रखी है अब वो देश अपने देश में जिस भी हिसाब से रहते थे वो ठीक है वो एक नए देश में आगे रह रहे हैं पर वो अपने रूल्स के हिसाब से रह रहे हैं अब उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते उनकी सरकार को भी पेरिस को नहीं गलत बोल सकते पर बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है कोई सबसे गंदी सिटी है जिधर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वो पेरिस है इंडिया की तरह ड्राइव करना है वहाँ पर दिल्ली की तरह ही कोई भी किसी ने गाड़ी डा दी अब इंडियंस तो भाई हमारी मजबूरी है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं उधर भाई लोगों को सिविक सेंस नहीं है सिविलाइज नहीं है वो लोग कुछ भी गाड़ी चला दी मेन चीज भाई अब जैसे आप लैटिन अमेरिका में हो या आप स्पेनिश बोलने की ट्राई करो आप गलत स्पेनिश बोलोगे तो वो आदमी खुश होएगा भाई मेरी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है वो आपको करेक्ट करेगा और आपकी बात खुद कंप्लीट कर दे और आपकी मदद करेगा वैसे ही आप इंग्लिश बोल रहे हो अगला आदमी सोचे कोशिश कर रहा है इंग्लैंड में आदमी आपकी मदद करेगा इंडिया में कोई हिंदी बोल रहा है मदद करेंगे फ्रांस में अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो आपकी फ्रेंच पहली बात तो इंग्लिश बोलोगे तो चिट जाएंगे बोलेंगे फ्रेंच बोलो हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे अब फ्रेंच बोलोगे आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है एक्सेंट ठीक नहीं बोलेंगे ठीक से पहले फ्रेंच सीख फिर बात करना भाई बहुत रूड है फ्रांस के लोग स्पेशली पेरिस में यूजुअली बड़ी सिटीज में थोड़े ज्यादा रूड होते हैं बहुत गंदगी है और मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ ये सबसे गंदगी वाली सिटी है पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है उतनी नहीं है जो गैप है ना गंदगी में और अच्छाई में वो बहुत ही बड़ा है इसलिए सबसे ज्यादा ओवर सिटी वर्ल्ड की पैरिस है और मैं नहीं जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और मानते हैं दुनिया की सबसे सिटी है मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ वो आईफिल टार वाले जो एरिया वो क्लीन करके आ, रखा हुआ है बस वो भी नहीं है आईफिल टार के आप थोड़ी सी दूर जाओ आसपास ठीक है आप फोटोज खींचोगे उधर आपको कुछ नहीं देगा थोड़ा सा चल के आप दूर जाओगे वही गंदगी शुरू इलीगल इमिग्रेंट्स है आपके साथ कोई गाली गाड़ी देकर बात कर सकता है इतना महंगा भाई इतना महंगा आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो चालीस पचास यूरो आपका टैक्सी का खर्चा आना है मतलब आपके चार पाँच हज़ार तो टैक्सी के लगने हैं तीन चार हजार कहीं भी जाने के और बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेरिस में एज अ टूरिस्ट भी और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे जॉब करो रहो तो तो बहुत ही महंगा है एज अ टूरिस्ट भी हर चीज बहुत महंगी पड़ती है भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स कर की बात कर रहे थे आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है वॉलेट मिल जाता है लेकिन कैश गायब होता है तो कैश मगिंग भी बहुत ज्यादा होती है, पर पर है एरिया में काफी पी भी चलती रहती है लोग ओपन में लगे रहते हैं पब्लिक यूरोप में हर जगह पर जिस चीज में ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ना कि सिर्फ वो चगा चौदह दिखाई

वो बेल्ट कवर करी है आपने क्या सीन हाँ, है सीजन एक्सपीरियंस वो भाग बेल्ट कवर हाँ करी वो भाई पैसिफिक ओशियन वाली कंट्रीज है और ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल देते हैं इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ मैं भी जाने वाला हूँ इन दो कंट्रीज़ के अलावा बाकी जितनी भी तेरह चौदह कंट्रीज बची वो सारी मैंने कर ली तो भाई ये छोटी छोटी कंट्रीज़ है बहुत छोटी और बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ नावरू वर्ल्ड की वो भी सेकेंड थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है तो नाउरू गया था मैं उस देश में क्या करा भाई एक मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का आदमी आया था वो बोला कि भी इधर फॉसफेट बहुत है क्योंकि बर्ड्स की माइग्रेशन होती है वो माइग्रेशन में वो जाते हैं इस आइलैंड पे नावरू कंट्री के ऊपर वो बीट करती थी बीट करने से वहाँ पे फॉस्फेट इकट्ठा हो गया अब फॉस्फेट काम करता है एज अ फर्टिलाइज़र तो उस आदमी ने सोचा मैं ये फर्टिलाइजर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा तो उन्होंने एक कंपनी बना दी सेटअप कर दिया फार्मर्स को देते थे आधा पैसा एक टन का रेट और वो बिकता था ऑस्ट्रेलिया में दो सौ एक टन का रेट मतलब 200-400 रुपए सौ रेट पे वहाँ पे फास्फेट बेचते थे और वो देश पूरा एक्सप्लॉयट कर दिया नाउरू जो कंट्री थी वो आज से मतलब नाइनटीन के अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्ट ईयर मैं भूल गया मतलब यूं मान लो आज से 50 साल पहले दुनिया की सेकेंड रिचेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी सऊदी अरेबिया नंबर वन क्योंकि तेल बहुत था उनके पास कि भी एक कंट्री की पूरी जीडीपी ले और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे हर आदमी की इससे कितनी जीडीपी आई तो सबसे अमीर सेकंड नंबर पे थी नाउरू कंट्री भाई इतना पैसा आ गया उनके पास इतना फॉस्फिट मिला इतना फॉस्टफिट एक्सपोर्ट होने लगा तो ना लोकल जो भी लोग थे पॉलिटिशियंस वो भी उसमें मिल गए क्योंकि ब्रिटिशर्स और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले फॉस्फिट निकाल रहे थे तो अब वो जब तक रूल पास नहीं करेंगे वो कैसे निकाले तो पॉलिटिशियंस भी मिल गए सारा फॉस्फेट उस देश का एक्सट्रैक्ट होता गया लेकिन उसके बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हो रहे थे उनकी जो मरीन लाइफ थी समुद्री जीव खराब हो रहे थे धरती उनकी पूरी खराब होगी अब वहाँ पे लोकली कुछ भी उग नहीं सकता सब्जी वगैरह कुछ भी हेल्दी खाना नहीं उग सकता उस देश में छोटा सा देश है वो देश मैंने पूरा पैदल चल के पार करा था इक्कीस किलोमीटर की रोड है चार घंटे मैंने पूरा देश पैदल चला था और अब मतलब पचास साल बाद वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है क्योंकि पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हो गए उन्होंने सारा देश बेसिकली बिकवा दिया ताकि लोग शोर ना मचाए हर इंसान को दे दी सरकारी नौकरी जिसकी भी एज है सरकारी नौकरी लोग खुश भाई सरकारी नौकरी है हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री एजुकेशन फ्री कॉलेज के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ सरकार खर्चा देगी लोग इतने खुश भाई ड्रीम लाइफ जी रहे क्या देश है ये तो पर अंदर ही अंदर वो देश खोखला होता गया सारी उन, उन उन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर दी अपनी एयरलाइन बना दी होटल्स खोल दिए नावरू वालों ने नावू एयरलाइन बना दी बाहर अपने स्काई स्क्रैपर्स बना दिए और देशों में होटल की चेन खोल दी पर अंदर से जैसे ही उनका फॉस्फेट खत्म हुआ ये देश बैकआउट कर गए और इनके पास खुद अपना कुछ बचा नहीं तो भाई अब वहाँ पे ये हाल है लोग बहुत ही ज्यादा मोटे हो गए और बीज हो गए क्योंकि हेल्दी खाना कुछ है नहीं सब पैकेट खाना आता है और उसमें इतनी शुगर स्वीटनर्स प्रिजर्वेटिव ऑस्ट्रेलिया से और एक बार सुपर मार्केट में दूध खत्म हो गया ना लेट से दूध खत्म हो गया अब अगला स्टॉक आएगा छ हफ्ते बाद तो छह हफ्ते तक उस देश में दूध ही नहीं होगा क्योंकि वो कंटेनर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सामान और वो छह हफ्ते लगते हैं शिप को वहाँ पे आने में तो इतना बुरा हाल हो गया भाई उस देश में मैं पैदल चल रहा था ना ऐसी ऐसी सुपर कार लग्जरी कार सड़क पे खड़ी है उनके जंग लगा पड़ा है महंगी गाड़ियाँ महंगे घर जो दिख रहा है भाई ये लग्जरी घर होगा उसमें आज से पचास साल पहले जिसमें ए सी फिट हो तो कैसा घर होगा भाई ऐसे ऐसे घर अबेंडेंट पड़े जंग लगा हुआ है उसमें कोई नहीं रह रहा क्योंकि अब उसमें कोई रहना अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली के पैसे कहाँ से देगा लोग इतने गरीब हो गए सब अंदर से खोखला हो गया नौकरिया सब चली गई देश का पैसा होती वो पॉलिटिशियंस कर गए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट उन्होंने ब्रिस्बेन में जो भी बड़े बड़े लोग थे अपनी प्रॉपर्टीज बना ली देश को छोड़ गया भाई वो देश सड़ने लग रहा है लोगों की हालत बहुत बुरी है खाने को कुछ नहीं है गरीबे मर रहे वो दस बारह हजार उनकी पॉपुलेशन है बहुत बुरा है उस देश ये अंग्रेज ना है ही दीमक की तरह घुस हाँ गए तो उसे खा जा बिल्कुल चूस लेते हैं हाँ। भाई ये देश को जूस निकाल ले पूरा पूरा हाँ। और फिर भगवो अपने देश हाँ। को। और वो बेचारे शरीफ लोग उनका पागल बना के ले गए तो ऐसा होता है भाई ऐसी और देश है एक टू है वो भी छोटा सा देश है उसे वर्ल्ड की लीस्ट विजिटेड कंट्री कहा जाता है वो बस समुद्र के अंदर एक बस सीधा सा देश है वो किसी भी दिन बड़ी लहर आई वो देश डूब जाएगा दो मीटर ऊपर है वो समुद्र से बस छह फुट ऊपर है समुद्र से लोगों के घर समुद्र से हर चीज और दो सौ मीटर चौड़ा है वो आइलैंड सिर्फ उनका वाइटेस्ट पॉइंट तो चार सौ मीटर चौड़ा है सबसे वाइटेस्ट जो है पर आमतौर पर सो डेढ़ सौ मीटर चौड़ा है समुद्र के बीच में कोई भी बड़ी लहर आई वो देश बस डूब जाएगा समझ लो सुनामिया कुछ है तो गायब है वो तो ये हाल है उन देशों का भाई तो अभी विजिट कर लिए तो कर लिए एक देश समोहा है उसके बारे में बताता हूँ द रॉक सब जानते हैं रे किसी देखते थे डब्ल्यू डब्ल्यू में एक उमागा आता था वो जो खाता था तो ये सारे समोहा के द रॉक का नाना समोहा का था तो समोहा कंट्री है वो उधर का एवरेज वेट एक मेल का एक किलो है तो हर आदमी भाई मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बढ़ाऊँ पर जब मैं उस देश में लैंड हुए प्लेन में लैंड हुआ ना मेरे को इन फील होता रहा मैं एक टूथपिक हूँ भाई मैं यूं बैठा हुआ था इतने इतने चौड़े लोग भाई इतने बड़े अलमारी जैसे लोग सारे लंबे लंबे बहुत लंबे, छह साढ़े छह फुट उनकी हाइट और 105 किलो तो एवरेज वेट है तो 200 सौ किलो तक के भी लोग आराम से दिखते थे कोई वो बात नहीं थी भाई बहुत बड़े लोग है वो साइज में तो अभी उनकी वीडियो बनाई थी अभी चैनल पे आई नहीं पर अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज इधर कोई जाता नहीं तो काफी अलग एक्सपीरियंस था भाई सीरिया आप अभी जो आईसिस के बाद गए थे आप आ, भाई 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ आईसीस तो एक संगठन है बहुत सारे संगठन है जो वहां पे सिविल वॉर चला हुआ है पावर में आना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल कई संगठन है आईसीस तो उनमें से एक है तो कोई इलाके आईसीस कंट्रोल कर रहा है कोई सीरियन गवर्नमेंट कोई गर्दिश फोर्सेज अलग अलग फोर्सेज है तो भाई हाँ तभी गया था सारी चीजें तो वहाँ पे तो भाई हमने मूवीज में ही देखा है किसी भी टाइम फायरिंग हो रही है किसी भी टाइम बिल्डिंग टूटी हुई है आप जिस एरिया में गए थे वो भी रिस्क रिस्क वाला कोई साबत बिल्डिंग दिखती ही नहीं थी कोई ऐसी बिल्डिंग है नहीं जो मतलब नॉर्मल हो हर बिल्डिंग है किसी के दरवाजे गायब है किसी की खिड़किया गा गायब है गा 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 गा, किसी में वॉश बेसन गायब है गा गा, सब टूटा तो हुआ करने क्या गए थे <laughs> और अब रुके कहा क्या था भाई उस... एक होटल में रुका था वो होटल उन्होंने थोड़ा रीबिल्ड कर रखा था तो उस होटल में रुका और यही देखने गया था भाई लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी भाई और कोई लोगों की कमाई नहीं है बिल्कुल इतनी गरीबी में रह रहे हैं मैंने टैक्सी कराई टैक्सी का किराया था इंडिया के बहुत सस्ता देश है इंडिया के पचास साठ रुपए मेरा टैक्सी का किराया बना और वो मेरे को मेरे होटल तक छोड़ गया सिटी सेंटर से और वो दिन में बारह घंटे टैक्सी चला गए और बोला काम मिलता ही नहीं वो तो आप अंग्रेज फॉर अंग्रेज तो नहीं हो आप फॉरनर थे तो काम मिल गया बोला मैं टैक्सी खड़ी करती मैं फौज में भी नौकरी करता हूँ सीरियन सरकार के लिए बोला बारह घंटे टैक्सी लाता हूँ बारह घंटे मैं फौज में काम करता हूँ इसके बीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लेता हूँ दो तीन घंटे और पूरे दिन में बोला मैं पैसे कमाता हूँ दो से ढाई रुपए एक दिन में

कभी भी आए गोली मार के मार जाएंगे वो तो भाई ये जो गैंग वहाँ करना क्या चाहते हैं लोग ही नहीं बचेंगे किस पे वो वो रूल करेंगे भाई, भाई। एरिया टेरिटरी का कंट्रोल है वो चाहते हैं टेरिटरी हमारे अंदर आ जाए इधर इतना तेल है सीरा नीचे वो फ्यूल हमें मिल जाए और जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है ये लोकेशन हमें मिल जाए आसपास सारी कंट्रीज में हम डोमिनेट कर सके तो ये इनका कारण है वहां से अमरीका भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ अमरीका भी करता रहता है तो भाई लोगों की कंडीशन इतनी बुरी हो बावजूद भी मतलब रोटी उनको यूँ नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी जेनुअनली खुद का नहीं पूरे परिवार का नहीं पता शाम को हम क्या पता भूखा सोना पड़े क्या पता दस दिन में हम भूख से ही मर जाए लोगों को ये हालात है फिर भी भाई दुकान पर जाके मैं चीज़ें खरीदता बोलते नहीं हम पैसे नहीं लेते आप हमारे मेहमान हो भाई वो लोग जब ये चीज़ करते हैं ना बहुत दिल हुआ भाई उस देश में तो और मेरी वीडियोस में है हर एक लड़का में छोटा सा बच्चा था उसकी दुकान से मैंने संतरा उठाया मैं बोला संतरे के पैसे बता बोला माफी हिसाब मतलब कोई हिसाब नहीं बोला ये मेरे जमीर मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं अपने मेहमान से एक संतरे के पैसे ले लूं अच्छा इतनी अच्छी बात है भाई भाई बहुत अच्छे लोग है यार सही है दोस्तों मजा आ गया इस एपिसोड में यार और परमवीर भाई के साथ हमेशा मजा ही आता है मजा और अब पता नहीं हम कब बैठेंगे उम्मीद है बहुत जल्दी बिना कैमरे के बैठेंगे <laughs> बिना कैमरे के तो बैठेंगे ही लोगों को कैमरा पे देखना बहुत पसंद है पर ये भी है यार हम सोचते हैं ये बातें हम कैमरा पे ऑफर कर दे तो लोगों का मजा है लोगों को एंटरटेन हो डेफिनेटली भाई और आपको इनके व्लॉग्स मिलते रहेंगे इनके चैनल का गोल बटन यहाँ आ ही रहा है इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में इनके कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल एंड अर्न पे इन पेन भाई कैसे आप मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है ज्यादा मैं नहीं आप लोगों को पता ही है तो मेरी वेबसाइट पे आप खरीद सकते हो तो चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में अगर आप हमारे चैनल पे नए हो यहाँ का सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दो क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए बिना कॉन्टेंट देख रहे हो ये हमें पता चल जाता है डिमांड पूरी कर रहे आपने बोला सेकंड पॉडकास्ट विध परमवीर भाई हम लेके आए तो आप हमारी डिमांड भी पूरी करो सब्सक्राइब बटन हिट करो और मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में बाय बाय <laughs> <चलो। laughs> दोस्तों जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि डाउनलोड कर लो रियल इलेवन ऐप क्योंकि अगर रेगुलर फैंटेसी में आपकी बात नहीं भी बन रही तो रियल इलेवन पे आप ट्रेडिंग और प्रो प्ले के साथ खेल कर भी लाखों के इनाम जीत सकते हो प्ले में आपको मैच से रिलेटेड बहुत ही आसान से सवालों के जवाब चुनने और ट्रेडिंग में उन्हीं सवालों के जवाब आपको येस या नो में देकर बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है जब रियल इलेवन इतना कुछ ऑफर कर रहा है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करो और हमारा प्रोमो कोड रियल यूज़ करना मत भूलना जाओ इंजॉय करो आज का मैच बाय बाय